अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी एज वेल एज सेक्शन 175 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ऊपर एक कॉम्पेरेटिव लेक्चर अटेंड किया था और हमने ये जाना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 175 के अंदर किस नए प्रोविजन को ऐड किया गया है जो कि सीआरपीसी में नहीं था। तो एक कंप्लीट लेक्चर हमने दो पार्ट्स में अटेंड किया था। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करेंगे, विच इज बेसिकली प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो अब तक हमने किन किन सेक्शंस को पढ़ लिया है, आइए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने सेक्शन 173 ऑफ BNSS को कवर किया, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। सिंपल वर्ड्स में जिसे हम कहते हैं FIR। ये सेक्शन हमारे सीआरपीसी का सेक्शन 154 था। तो अपने फर्स्ट वीडियो में हमने ये समझा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में FIR को लेकर के किन नए प्रोविजन को ऐड किया गया। फिर हमने बात किया सेक्शन 174 ऑफ BNSS, विच इज बेसिकली इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन इन सच केसेस और संज्ञेय मामलों में इत्तला और अन्वेषण। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ये सेक्शन हमारे सीआरपीसी का सेक्शन 155 था, तो हमने इसे भी कवर किया। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 175 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में बात किया, जो बेसिकली क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर्स पावर इन कॉग्निजेबल केसेस। यानी पुलिस ऑफिसर्स पावर इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉग्निजेबल केसेस, राइट। और ये हमारे सीआरपीसी का सेक्शन 156 था। तो हमने बड़े ही डिटेल्ड मैनर में अब तक के लेक्चर्स को अटेंड किया है। उसी तरह से आज हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करेंगे, विच इज सेक्शन 176 ऑफ BNSS, जो कि सीआरपीसी का सेक्शन 157 था, राइट। और ये बेसिकली बात करता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, किस तरह से, किस प्रोसेस के तहत ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन संघीय मामलों में इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा, राइट। तो दिस इज आवर टॉपिक, विच इज प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, राइट। ये जो प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन है, ये हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 157 में दिया गया था, लेकिन अब इसे हमें पढ़ना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 176 में, राइट। एक और चीज जिसे हमें क्लियर करते हुए चलना है, और वो ये है कि पहले सीआरपीसी में जो चैप्टर 12 था, वो बेसिकली काम करता था इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। राइट। और जो सेक्शन हुआ करते थे वो स्टार्ट होते थे राइट फ्रॉम सेक्शन 154 टू सेक्शन 176, राइट। इसमें बेसिकली सेक्शन 154 बात करता था एफआईआर के बारे में और सेक्शन 173 बात करता था पुलिस रिपोर्ट के बारे में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट सबमिट करता था वो बेसिकली सीआरपीसी के सेक्शन 173 में करता था, लेकिन अब
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 में एफआईआर रजिस्टर किया जाता है इन कॉग्निजेबल केसेस। तो ये जो चैप्टर था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 13 हो गया है, और जो सेक्शन हो गए हैं वो है 173 टू सेक्शन 196। राइट, तो देयर इज चेंज इन सेक्शन नंबर, ज्यादा कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम कॉम्पिटिटिव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो कि क्या नया प्रोविजन ऐड किया गया है। राइट, चलिए, तो आई होप कि अब तक का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा, और अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन 176 ऑफ बीएनएसएस, व्हिच इज प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। राइट, अन्वेषण की प्रक्रिया, सेक्शन 176 सबसेक्शन 1, व्हाट डज इट स्टेट्स, तो कहता है इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव और अदरवाइज। देखिए नाउ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, अब जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो किसी ऐसे पर्सन से इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है जो कि इंफॉर्मेंट है, हु इज नॉट कंप्लाइंट, हु इज नॉट विक्टिम, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो विक्टिम है, जो कंप्लाइंट है, वो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दे। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन रिसीव किया जा रहा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा, दिस इंफॉर्मेशन मे बी गिवन बाय ईदर एनी पर्सन एज इन्फॉर्मेंट और ईदर बाय कंप्लाइंट हिमसेल्फ और विक्टिम हिमसेल्फ और अदरवाइज। तो यहाँ अदरवाइज से मतलब है कि मान लो इन केस जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसे खुद संदेह है कि हाँ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है, स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं बिलीव करने के लिए। राइट, एंड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैड रीजन टू बिलीव द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस व्हिच ही इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 175 BNSS to investigate। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास इंफॉर्मेशन आया इधर बाय इन्फॉर्मेंट और इधर बाय कंप्लेनेंट और विक्टिम, या पुलिस ऑफिसर के पास स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं संदेह करने के लिए कि इस व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, जिस ऑफेंस के रिगार्ड में उस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास ये पावर है कि वो अंडर सेक्शन 175 ऑफ बीएनएसएस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। तो 175 ऑफ बीएनएसएस में हमने क्या पढ़ा था, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। राइट, तो आगे कहता है he shall forthwith send a report of the same to a magistrate। तो जैसे ही उसे ये लगे कि इस ऑफेंस में वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, and he is empowered to take cognizance of offense under section 175 of BNSS, तो वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इमीडिएटली क्या करेगा, एक रिपोर्ट सेंड करेगा मजिस्ट्रेट को। Empowered to take cognizance of such offence upon police report, उस magistrate को report send करेगा immediately regarding commission of that offence which he is empowered to take cognizance under section 175 of BNSS। इस magistrate को, जिस magistrate के पास power है कि वो जब police officer investigation complete करने के बाद under section 193 पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करता, कॉग्निजेंस लेता अंडर सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस, उसी मजिस्ट्रेट के बारे में बात किया जा रहा है। तो
उस मजिस्ट्रेट को क्या करेगा, एक रिपोर्ट सेंड करेगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अच्छा, ये जो रिपोर्ट होगा, इस रिपोर्ट को कहा जाता है, हालांकि आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और ना ही सीआरपीसी में इस रिपोर्ट को कोई नाम दिया गया था, लेकिन आम बोलचाल में हम इस रिपोर्ट को कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट। यानी बेसिकली वो मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है मामले का संज्ञान लेने में, जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी, राइट, वही मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस अकरेंस रिपोर्ट को अपने पास लेगा और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास ये लाइबिलिटी बनती है कि वो तुरंत क्या करे, इस मामले के बारे में इत्तला करे उस मजिस्ट्रेट को, और इसे हम कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट। क्योंकि देखिए जो ट्रायल है वो फाइनली उसी के कोर्ट में चलना है, कि इस मजिस्ट्रेट तो उसे भी कहीं ना कहीं ये जानकारी होना चाहिए कि उसके एरिया में, उसके ज्यूरिसडिक्शन में ये पर्टिकुलर कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है और ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया, तो ये मस्ट बी अवेयर अबाउट द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। तो ये जो अकरेंस रिपोर्ट पुलिस इमीडिएटली सेंड करेगी, ये बेसिकली रिपोर्ट बताता है अबाउट द अकरेंस ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट, एंड शैल प्रोसीड इन पर्सन बाय हिमसेल्फ। और अकरेंस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो या तो खुद से प्रोसीड कर सकता है, यानी इन्वेस्टिगेशन स्वयं शुरू कर सकता है, और शैल डिप्यूट वन ऑफ हिज सबॉर्डिनेट ऑफिसर, या अपने से किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट करा सकता है, लगा सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन, नॉट बीइंग बिलो सच रैंक एज स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। तो जिस भी रैंक के ऑफिशियल को स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और बाय स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट करेगी, उसी रैंक के पुलिस ऑफिसर को ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा डिप्यूट करना होगा, या नहीं तो वो स्वयं क्या कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है टू द स्पॉट, यानी वो पर्सन, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या उसका कोई सबॉर्डिनेट क्राइम स्पॉट पर पहुंचेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस एंड इफ नेसेसरी टू टेक मेजर्स फॉर डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ ऑफेंडर, और अगर आवश्यक है तो वो उन सभी मेजर्स को अपनाते हुए जो ऑफेंडर है उसकी गिरफ्तारी को एंश्योर करेगा। जो कुछ भी क्राइम स्पॉट पर मिलेगा उसे वो क्या करेगा, अपने अंडर मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट, अब यहां पर एक प्रोविजो है, ए एंड बी, व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम। अब समझो कि दिस इज द पर्सन whose name is X, or isme by name of Mr. Y, iske against information provide kiya before the police station, kis vyakti ne ye phala offense kiya hai, yani if information is given by the informant against a person by his own name, उसके नाम से, offender के नाम से information दिया जा रहा है किसी person के द्वारा, और जो case है वो serious nature का नहीं है, तो इस case में जो officer in charge of police station है need not proceed in person, यानी उसे कोई आवश्यकता नहीं है कि वो खुद से investigation शुरू कर दे या अपने किसी subordinate officer को depute कर दे to make an investigation on the spot, right? यानी अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास कोई इन्फॉर्मेंट आता है और वो कहता है कि वाई नाम के पर्सन ने ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसे लगता है कि जो केस है वो सीरियस नहीं चलता नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करेगा या किसी सबॉर्डिनेट को डिप्यूट नहीं करेगा, राइट, टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट। क्लॉज बी क्या कहता है, इफ इट अपीयर्स to the officer in charge of police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case. Agar
ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ऐसा लगता है कि सफिशियंट ग्राउंड नहीं है, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू करेगा। He shall not investigate the case. तो वो बाउंड नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू भी करे। अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ऐसा लगता है कि कोई सफिशियंट ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए, तो he shall not investigate the case. आगे provided further that, अब इतना जो प्रोविजन था वो हमारे सीआरपीसी में भी था, क्या नया प्रोविजन एड किया गया है उसे भी हम समझेंगे। तो दीज वर the provisions which were also given under CRPC. Provided further that, आगे जो दूसरा प्रोविजन है वो क्या कहता है, in relation to an offence of rape के offence में, recording of statement of victim, जो पीड़िता है उसके statement को जब record किया जाएगा, it shall be conducted at the residence of victim or in place of her choice. तो इसे हमने जब FIR के provisions को पढ़ा तो वहां भी हमने देखा था कि जो informant है वो कोई, या जो complainant है वो कोई woman है, और जो particular offense उसके साथ हुआ है उसके वजह से वो woman physically या mentally fit नहीं है कि वो police station जाकर के अपना FIR दर्ज करा सके। तो ऐसे सभी cases में या सभी वुमेन सेंट्रिक ऑफेंसेस के केसेस में अगर जो विक्टिम है वो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है तो पुलिस ऑफिसर बाउंड है कि वो उसके रेजिडेंस पर जाकर के एफआईआर दर्ज करे, या अगर वो वुमेन किसी दूसरे प्लेस पर चाहती है कि वहां पुलिस ऑफिसर आकर के उसका बयान दर्ज करे और एफआईआर दर्ज करे तो भी पुलिस ऑफिसर बाउंड है। एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाई वुमेन पुलिस ऑफिसर, तो उस पीड़िता का जो बयान दर्ज किया जाएगा वो केवल और केवल एक महिला पुलिस अधिकारी के ही द्वारा किया जाएगा। किसके प्रेजेंस में, उस पीड़िता के पेरेंट्स या कोई गार्जियन है या कोई नियर रिलेटिव्स है या उस पर्टिकुलर लोकैलिटी का कोई सोशल वर्कर है, तो उसके प्रेजेंस में उसके स्टेटमेंट को वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी और बताएगा इसका क्या होगा, वीडियोग्राफी होगा। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा था, यही था आगे सेकेंड प्रोविजन। आगे सेक्शन 176 सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS क्या कहता है, इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन्ड इन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी ऑफ फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 1, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल स्टेट इन हिज रिपोर्ट द रीजंस फॉर नॉट फुली कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट सबसेक्शन बाय हिम। सिंपल, सेक्शन 176 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी में जो भी रिक्वायरमेंट्स दिया गया है जिसे अभी हमने पढ़ा, अगर उन रिक्वायरमेंट्स का कॉम्प्लायंस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा नहीं किया जाता है तो बेसिकली अपने रिपोर्ट में उस पर्टिकुलर रीजन को दिखाना होगा कि किस रीजन की वजह से रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं किया गया था ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा। एंड फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट फोर्टनाइटली टू द मजिस्ट्रेट, और जो डेली डायरी रिपोर्ट है जिसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को आप नोट डाउन करते रह रहे हो, हर 15 दिन में मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करोगे। ये एक नया प्रोविजो ऐड किया गया है आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 176 सबसेक्शन 2। एंड इन केस mentioned in clause B of said proviso, the officer shall also forthwith notify the informant, if any, in such manner as may be prescribed by rules made by state government. Right. तो कह रहा है कि section 176 subsection 1 clause B में अगर officer in charge of police station के द्वारा किसी reasonable ग्राउंड के वजह से इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं किया जा रहा है तो इसके बारे में भी इन्फॉर्मेंट को तुरंत सूचना दिया जाएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा कि हाँ इस पर्टिकुलर रीजन के वजह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू कर रही है। राइट, सबसेक्शन 3 विच वॉज नॉट गिवन इन सीआरपीसी, राइट,
तो ये एक नया प्रोविजो ऐड किया गया है हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। आइए इसे अब हम पढ़ते हैं। On receipt of every information relating to the commission of an offence, on receipt of every information relating to the commission of an offence which is made punishable for 7 years or more, तो उस प्रत्येक अपराध के सूचना प्राप्ति पर जिस अपराध में जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स है या उससे ज्यादा है, तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है शैल फ्रॉम सच डेट, उस दिन से जिस दिन इंफॉर्मेशन मिला रिगार्डिंग कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इज कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म मोर देन 7 ईयर्स as may be notified within a period of 5 years by state government in this regard, cause the forensic expert to visit the crime scene to collect forensic evidence in the offense and also cause videography of the process on mobile phone or any other electronic device. So basically, investigation ke veracity ko aur bhi zyada authentic banane ke liye यहाँ पर बेसिकली फॉरेंसिक जांच के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में जो फॉरेंसिक फैसिलिटीज हैं वो वेल डेवलप नहीं है। तो यहाँ बेसिकली ये प्रोविजो ऐड किया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस अधिनियम यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू होने के दिन से 5 साल के अंदर अंदर फॉरेंसिक फैसिलिटीज अपने अपने स्टेट्स में अवेलेबल करा दें, और जैसे ही फॉरेंसिक फैसिलिटीज फॉरेंसिक लैब स्टैब्लिश हो जाते हैं तो जिस दिन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा किसी ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सूचना मिलता है जिसमें जो पनिशमेंट है वो 7 साल तक का है या उससे ज्यादा साल का है, तो ऐसे सभी केसेस में जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाएगा क्राइम स्पॉट पर ताकि फॉरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा सके और इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा स्मूथ वे में चल सके। और इस पूरे प्रोसीजर का क्या होगा? वीडियोग्राफी होगा। यानी स्टेट गवर्नमेंट इस अधिनियम के लागू हो जाने के 5 वर्ष की अवधि के भीतर फॉरेंसिक फैसिलिटीज अवेलेबल कराएगा और फिर ऐसे सभी मामले में पुलिस ऑफिसर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को क्राइम स्पॉट पर बुलाएगा ताकि फॉरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा सके। प्रोवाइडेड फर्दर दैट where forensic facility is not available in respect of any such offence, the state government shall, until the facility in respect of that matter is developed or made in the state, notify the utilization of such facility of any other state. Yani yahan ye kaha gaya hai simple words mein ki maan lijiye ki jab tak किसी स्टेट में फॉरेंसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो वो स्टेट किसी दूसरे स्टेट में जहां फॉरेंसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है उसका मदद ले सकता है, जब तक उसके खुद के स्टेट में पूरी तरह से फॉरेंसिक फैसिलिटीज डेवलप्ड नहीं हो जाती। तो ये था लेक्चर ऑन कॉम्पेरेटिव लेक्चर बिटवीन सेक्शन 176 ऑफ BNSS एज वेल एज ऑन सेक्शन 157 ऑफ CRPC। क्या नया प्रोविजन ऐड किया गया है उसे भी हमने पढ़ा। अपने पूरे एफर्ट्स के साथ मैंने इजी टू इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी और मुझे पूरा भरोसा है अगर आप मेरे वीडियोस को शुरू से देखते हुए आ रहे हो तो यहां तक आपको सभी चीजें सभी पॉइंट्स सभी प्रोविजंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरे ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे ही आपके बीच वीडियोस लाता हूँ और आपकी हेल्प करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो।